धन्यवाद। अविनाश पांडे जी, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, रमेश्वर डूडी जी, मोहन प्रकाश जी, नारायण सिंह जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी, डॉक्टर गिरजा व्यास जी, सुभाष मरिया जी, राजेंद्र पारिख जी, परसराम मोदिया जी, दीपेंद्र सिंह जी, पीसी जाट जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, गोविंद दोस्तारा जी, महादेव जी, नंद किशोर जी, राजकुमार शर्मा जी, ब्रजेंद्र ओला जी, श्रवण कुमार जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता, कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, पीछे जो लोग बैठे हैं, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। भाषण से पहले मैं सीकर की जनता को और जो यहां के शहीदों के परिवार हैं, जो आपकी हिस्ट्री रही है कि आपने इस देश की रक्षा की है, आपको मैं शुरुआत में ही दिल से धन्यवाद करता हूं और उन शहीदों को याद करता हूं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, अपना खून दिया। हिंदुस्तान में आज बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर हैं। शहीदों का जिला है, जब भी हिंदुस्तान को जरूरत पड़ती है, चाहे वो रेगिस्तान में हो, चाहे वो पहाड़ों पे हो, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, जहां भी राजस्थान के युवाओं की जरूरत होती है, जहां भी इस देश को कुर्बानी की जरूरत होती है, आप लोग खड़े होकर बिना सोचे अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हो। और ये आज की बात नहीं है, सालों से आप ये काम कर रहे हो। प्रधानमंत्री सेना की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, सच्चाई अलग है। आप 1965 का युद्ध याद कीजिए, जो बुजुर्ग लोग हैं यहां पर आपको बताएंगे कि 1965 में नैथ हवाई जहाज ने पाकिस्तान के सेबर हवाई जहाज की धजियां उड़ाई थी। छोटा सा हवाई जहाज था, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया था, बेंगलोर में बना था और उसने सेबर हवाई
हवाई जहाज को आसमान से गिरा गिराकर पाकिस्तान को मैसेज भेजा था। कहां बना था? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलोर। कारगिल में लड़ाई हुई, मिग हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज, MiG-21 हवाई जहाज पाकिस्तान की सेना पे एक के बाद एक बम गिराए। हवाई जहाज कहां बना था? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। प्रधानमंत्री जी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, मगर हमारी सेना को सर्जिकल स्ट्राइक में कौन सा हेलीकॉप्टर ले गया? ध्रुव हेलीकॉप्टर ले गया। किसने बनाया? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलोर। भाई और बहनों, 70 साल से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सीकर के युवाओं के साथ, सीकर के शहीदों के परिवारों के साथ देश की रक्षा कर रहा है। यूपीए सरकार ने कहा था हिंदुस्तान की वायुसेना को हवाई जहाज की जरूरत है। 126 हवाई जहाज खरीदने की बात हुई। मनमोहन सिंह जी ने साफ बोला, हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा, हवाई जहाज हिंदुस्तान के युवा बनाएंगे, एरोनॉटिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फ्लूइड इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, दुनिया का सबसे बेहतर हवाई जहाज बेंगलोर में बनाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि 70 साल से ये सरकारी कंपनी हिंदुस्तान की रक्षा कर रही है। भाई और बहनों, 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज था। एचएल पे एक रुपया कर्जा नहीं है, उल्टा एचएल कंपनी ने हिंदुस्तान की सरकार को 3000 करोड़ रुपए वापस दिया। मोदी जी जो दिन भर देशभक्ति की बात करते हैं, कुर्बानी की बात करते हैं, वायुसेना सेना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री फ्रांस जाता है, प्रधानमंत्री के साथ डेलीगेशन में अनिल अंबानी जाता है। और मैं ये बात उन परिवारों से कहना चाहता हूं जिनके बेटे शहीद हुए, सीकर में शहीद हुए। भाई और बहनों, अनिल अंबानी प्रधानमंत्री के साथ फ्रांस गया। अनिल अंबानी ने ना ध्रुव हेलीकॉप्टर बनाया, ना हवाई जहाज बनाया, ना मिराज बनाया, ना सुखोई बनाया, ना मिग बनाया। उसने अपनी जिंदगी में एक हवाई जहाज नहीं बनाया। 45,000 करोड़ रुपए का उस पर कर्जा है। एक के बाद एक उसके बिजनेस फेल हुए हैं। एचएल 70 साल से हवाई जहाज बना रहा है। अनिल अंबानी ने कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले हवाई जहाज बनाने की कंपनी चालू की। भाइयों और बहनों, 526 करोड़ का हवाई जहाज नरेंद्र मोदी ने 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। आवाज सुनाई नहीं दी? 526 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि
कि डसॉल्ट कंपनी और फ्रांस की सरकार को बताया गया नरेंद्र मोदी ने बताया कि सौदा 1600 करोड़ रुपए में होगा और सिर्फ एक व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसका नाम अनिल अंबानी। मैं नहीं बोल रहा हूं भाई और बहनों, फ्रांस के राष्ट्रपति हॉलैंड ने साफ बोला है कि मुझे तो नरेंद्र मोदी ने बताया कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। नहीं भैया, चौकीदार भागीदार नहीं है, चौकीदार। अब दो दिन पहले क्या होता है, सुबह 9 बजे नहीं, सुबह 9 बजे नहीं, 11 बजे नहीं, शाम के 3 बजे नहीं, शाम के 5 बजे नहीं, रात के 1 बजे जब पूरा हिंदुस्तान सो रहा था, चौकीदार ने एक नया काम किया। सीबीआई का डायरेक्टर कहता है राफेल हवाई जहाज पर इंक्वायरी होगी और रात के 1 बजे देश का चौकीदार कांपते हुए सीबीआई डायरेक्टर को निकाल देता है, कहता ना, राफेल पे इंक्वायरी नहीं होगी। मुझे दुख हो रहा है, मैं बताऊं, मुझे दुख हो रहा है, एक व्यक्ति ने देश के सब चौकीदारों को बदनाम कर दिया। देश के चौकीदारों से मैं कहना चाहता हूं, आपकी गलती नहीं है, आप ईमानदार हो, हम आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम देश के उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं जिसने कहा था मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ। आप दिन भर देश के लिए काम करते हो, आपने अपने हजारों बेटे बॉर्डर भेजे, कोई राजस्थान के रेगिस्तान में खड़ा है, कोई हिमालय में खड़ा है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अलग अलग प्रदेशों में सीकर के युवा, राजस्थान के युवा खड़े हैं, कोई राइफल लिए, कोई हवाई जहाज उड़ाता है, और आपके जेब में से प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए लेकर अनिल अंबानी के जेब में डाले। मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री से पूछा, आपने ये क्यों किया, आपने सिकर की कुर्बानी का अपमान क्यों किया, आपने राजस्थान के युवाओं का अपमान क्यों किया, आपने देश की सेना, वायुसेना और नेवी का अपमान क्यों किया, आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए क्यों दिए। 10 दिन पहले कंपनी खोली, 526 करोड़ का हवाई जहाज आपने 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा। देखिए, मैं आपके हाथ में हाथ मिला रहा हूं, ऐसे मैंने हाथ में हाथ मिलाई, और जब मैंने देश के चौकीदार के हाथ में हाथ मिलाई, देश का सब युवा, हर युवा देख रहा था, कभी चौकीदार यूं देखे, कभी नीचे देखे, कभी साइड में देखे, कभी ऊपर देखे, देश की जनता की आंख में आंख चौकीदार नहीं मिला पा रहा है, क्योंकि चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए की चोरी कर दी।
भाषण देते हैं, रोज आते हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जाते हैं, मगर पहले कहते थे मुझे प्राइम मिनिस्टर मत बनाओ, चौकीदार बनाओ, मगर अब राफेल के बारे में, वायुसेना के बारे में, चौकीदारी के बारे में नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। भाई और बहनों, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। अब चलिए किसानों की बात करते हैं। सीकर में कुर्बानी देने में कुर्बानी देने वाले लाखों लोग हैं, मगर हमारा किसान भी कुर्बानी देता है। 4 बजे सुबह जगता है, दिन भर काम करता है, पूरा परिवार उसके साथ खड़ा होता है। अगर वायुसेना और आर्मी देश की रक्षा बॉर्डर में करती है, तो हमारा किसान देश की रक्षा हिंदुस्तान के अंदर रोज 4 बजे सुबह करता है। 3,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे बड़े अमीर लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ किया, और देश का किसान चाहे वो सीकर में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, आंध्र में हो, तेलंगाना में हो, मणिपुर में हो, देश का किसान हाथ जोड़कर कहता है, मोदी जी आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए, आपने इन लोगों को 3,50,000 करोड़ रुपए दिए, मेरा भी आप कर्जा माफ कर दो। नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली जी कहते हैं, ना हम तुम्हारा कर्जा माफ नहीं करेंगे, हमारी ये पॉलिसी नहीं है, हम तो सिर्फ हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ करेंगे। जाने से पहले 9,500 करोड़ चोरी करने वाला विजय माल्या अरुण जेटली से मिलता है। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को नरेंद्र मोदी मेहुल भाई कहते हैं, वो 35,000 करोड़ रुपए उठा के ले गया। अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए कर्जा दिया, उसको 30,000 करोड़ रुपए और दिया, मगर हिंदुस्तान के किसान से बोनस छीनेंगे, आपको सही दाम नहीं देंगे, आपसे बिना बीमा का पैसा लेंगे और आपका ही पैसा आपको वापस नहीं देंगे। क्या गलती की है सीकर के किसान ने, क्या कमी है हमारे किसानों में कि हमारा प्रधानमंत्री एक रुपया उनका कर्जा माफ नहीं कर सकता है? हमारी सरकार थी, याद रखो भाई और बहनों, 70,000 करोड़ रुपए हमने आपका कर्जा माफ किया था। आपके प्याज सड़ जाते हैं, यहां पे मंडी शुरू क्यों नहीं की? यहां पे पीने का पानी की कमी है, 80 लीटर की जरूरत है, 40 लीटर भी नहीं मिलता आप लोगों को। और जो यहां कुंभरम कनाल से आपको फायदा मिलना चाहिए था, वो भी आपको नहीं दिया जाता है। क्या गलती की है यूपीए सरकार ने 2,600 करोड़ रुपए के पानी के प्रोजेक्ट मंजूर किए थे, पास किए थे, मगर यहां बीजेपी ने कुछ काम खत्म नहीं किया है। यहां देखिए, सरकार बनेगी तो किसानों की सरकार होगी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सरकार बनने जा रही है, और मैं हर मीटिंग में कह रहा हूं किसानों की आवाज उस सरकार के अंदर, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर, मंत्रियों के ऑफिस के अंदर किसान की आवाज सुनाई देगी। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं, आप कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हो, किसान की आवाज जरूर सुनाई देगी, छोटे दुकानदार की आवाज सुनाई देगी,
युवाओं की अगर आवाज सुनाई देगी, माताओं और बहनों की आवाज सुनाई देगी, मगर कांग्रेस के कार्यकर्ता की भी आवाज चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों, एमपी और एमएलए के ऑफिस में सुनाई देगी। युवाओं से वसुंधरा जी ने कहा था 15 लाख युवाओं को रोजगार देंगी, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। यहां लाखों युवा खड़े हैं। अच्छा, सीएम के बेटे को ललित मोदी ने स्वयं बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए दिए, याद है ना आपको? मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं, वो करोड़ों रुपए मिलता है, क्या आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गया? क्या आपको रोजगार मिला? हर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी की सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगाएगी, किसान के खेत के बिल्कुल पास फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा, युवाओं को उस प्लांट में, उस कारखाने में रोजगार मिलेगा। और जो किसान है राजस्थान के, आप सीधा अपना माल, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, सीधा का सीधा आप अपना माल फूड प्रोसेसिंग प्लांट में जाके बेचेंगे। और हमारा चीफ मिनिस्टर 24 घंटे में से 18 घंटे रोजगार, युवाओं को रोजगार देने में लगा देगा, पूरा दम लगा देंगे। हम आपसे झूठे वायदे नहीं करेंगे। मैं यहां आपको यह नहीं कहूंगा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में दे देंगे, ना मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मगर मैं आपको बता दूंगा कि किसान को, युवा को और ये जो हमारी माता बहने आए, आपको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर दिन भर हमारे लिए लगा रहता है। 25,000 स्कूल वसुंधरा जी ने बंद किए, हम आपके लिए बेस्ट क्वालिटी के सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी आप खोलेंगे। इलाज की जरूरत पड़ती है, प्राइवेट अस्पताल में आप जाते हो, किसान जाता है, आपको कहा जाता है पहले लाखों रुपए निकालो, एमआरआई की जरूरत होती है हजारों रुपए दो, एक्सरे की जरूरत होती है हजारों रुपए दो, ना, जैसे अशोक गहलोत जी ने किया था, मुफ्त में उन्होंने दवाई दिलवाई थी, वैसे हम फिर आपको मुफ्त में राजस्थान के हर गरीब को मुफ्त में दवाई दिलवा के देंगे। मोदी जी ने कहा था काले धन को हम सफेद करेंगे, काले धन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। सीकर की जनता को, ये जो माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, इन सब को नरेंद्र मोदी जी ने बैंक के सामने खड़ा किया। आपको याद है माताएं, आपको बैंक के सामने खड़ा किया था, आपसे कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई है, आपका पैसा लेकर आपसे बैंक में डलवाया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस लाइन में आपको नीरव मोदी दिखा, मेहुल चौकसी दिखा, ललित मोदी दिखा, विजय माल्या दिखा, अनिल अंबानी दिखा? नहीं, आपका ही पैसा लेकर, आपके ही जेब में से निकालकर इन चोरों के जेब में नरेंद्र मोदी ने डाला। नोटबंदी मत भूलिए, 2 साल पुरानी बात है, मगर मत भूलिए, क्योंकि वही पैसा आपके जेब से निकालकर अनिल अंबानी के जेब में गया है, वही पैसा आपके जेब में से निकालकर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के जेब में गया है। वो जो पैसा है आपका है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार उसी पैसे को आपके जेब में, मनरेगा में, आपके स्कूल और कॉलेज बनाने में,
आपकी यूनिवर्सिटी बनाने में, आपके अस्पताल चलाने में डालेगी। हम किसी 15-20 उद्योगपतियों को आपकी कमाई का पैसा, आपके खून पसीने का कैसा पैसा, किसान के काम का, किसान के दिन भर मेहनत का पैसा नहीं देंगे। शक्ति आप में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया, अनिल अंबानी ने इस देश में कितने युवाओं को रोजगार दिया? मेहुल चौकसी ने इस देश में कितने युवाओं को रोजगार दिया? नीरव मोदी ने इस देश में कितने युवाओं को रोजगार दिया? रोजगार कौन देता है? रोजगार छोटा दुकानदार देता है, जो छोटी फैक्ट्री चलाता है वो देता है, जो मिडिल साइज फैक्ट्री चलाता है वो देता है, किसान देता है। हम बैंक का पैसा आपको देंगे, जो छोटे उद्योग चलाते हैं, जो मिडिल साइज उद्योग चलाते हैं, जो दुकान चलाते हैं, जो खेती करते हैं, ये आपका पैसा है, ये पैसा हम आपको देंगे। आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये जो महिलाएं आई हैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया में पेट्रोल का दाम गिरता जा रहा है। यूपीए के समय $140 प्रति बैरल हुआ करता था, आज इंटरनेशनल मार्केट में तेल का भाव $80 प्रति बैरल है। माताएं बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तेल का दाम दुनिया में गिरता जा रहा है, हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों बढ़ रहा है? गैस सिलेंडर पहले आपको 400 रुपए में मिलता था, आज आपको गैस सिलेंडर कितने रुपए में मिलता है मुझे बता दो? 900 रुपए। इसका सिर्फ एक कारण है, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। और चौकीदार ने आपका पूरा का पूरा पैसा इन 15-20 लोगों को दिया है, अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी। और ये 15-20 लोग प्रधानमंत्री की दिन भर मार्केटिंग करते हैं, इनको ये टीवी पे, अखबारों में डालते हैं, सीधा सौदा है भाई और बहनों। अब समय आ गया है कांग्रेस पार्टी को यहां राजस्थान में चुनाव जिताने का। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, खड़े हो जाओ। देखो, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, गहलोत जी और सचिन पायलट जी एक मोटरसाइकिल पे बैठे, अखबार थे, फोटोग्राफ में थे, याद है आपको? एक साथ लड़ रहे हैं, एक साथ खड़े हैं, कल बस में एक साथ कुर्सी में बैठे हुए थे। कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ रही है, जनता की शक्ति, राजस्थान के किसान की शक्ति, राजस्थान के उन परिवारों की शक्ति जिन्होंने अपने बेटे कुर्बान किए हैं, पूरे के पूरे राजस्थान की शक्ति एक साथ कांग्रेस पार्टी के साथ लगी हुई है, और कांग्रेस पार्टी पर वो भरोसा कर रहे हैं। अब आप जिताइए कांग्रेस पार्टी को और राजस्थान की सरकार बनाइए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अब मैं सीकर